जो कल बैरियर टाउन में हुआ है, क्या हुआ है कल? आग लगी है यार, सुनने में आया है। गलती से लग गई? हाँ गलती से। सबको सब मालूम था, सब मिलने में। तो हुकूमत ने बनाया, हुकूमत ही जिम्मेदार है। हुकूमत ने बनाया जी। तो मलिक रियाज चने बेच रहे थे? मलिक रियाज तो चने ही बेच रहा, चने ही बेच रहा, चने ही बेच रहा। उसने तो बेड़ा गर्क कर दिया पूरी आवाम का। मलिक रियाज और आसिफ अली जरदारी का क्या गठजोड़ है हर किसी को पता है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं राहिल गिल और आप देख रहे हैं हमारी वेब। और आज मैं लोगों से पूछने जा रहा हूँ उस वाकये के बारे में जो कि कराची में हुआ और बैरियर टाउन के अंदर बहुत ही ज़्यादा शदीद जलाओ घेराव हुआ, तोड़ फोड़ हुई। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? चलते हैं लोगों के पास और देखते हैं कि वो क्या समझते हैं कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। मलिक रियाज साहब खुद हैं या फिर सिंध गवर्नमेंट है या फिर मखसूस जमातें? चलते हैं लोगों के पास और देखते हैं कि इसका हमें क्या जवाब मिलता है। क्या नाम है आपका? सुल्तान। सुल्तान, मुझे बताओ ये जो बैरियर टाउन में कल वाकया हुआ है इसका पता है आपको? जी मुझे पता है। तो ये कौन जिम्मेदार कौन है इसमें? सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट जिम्मेदार है। इन ज़मीनों पर जो पहले कब्जा हो रहा था तो गवर्नमेंट को चाहिए था वो इस मामले को देखते। आवाम मुश्तैद हुई वो भी ठीक नहीं हुआ, और वो लोग जिनका नुकसान हुआ उनके साथ भी अच्छा नहीं हुआ। और इसका बिलखसूस जो ज़िम्मेदार है वो मलिक रियाज साहब है, क्योंकि उनकी सरपरस्ती में ये सारा मामला हुआ, उन्हें पहले से ये मामला देखना चाहिए था। जो तोड़ फोड़ और ये सब कुछ किया ये तो इश्तियाल अंगेज लोगों ने किया ना, उनमें शायद हो सकता है वो एहतजाज करने वाले वो लोग ना शामिल हो। क्योंकि ऐसी जगह पर ऐसे शामिल होते हैं ना ग्रोह में जो तोड़ फोड़ और ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जो सर एसिड। वही तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब नुकसान तो आखिर में लोगों का ही हुआ। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली इसके जिम्मेदार तो हाजिर गवर्नमेंट है, जो इस वक्त गवर्नमेंट मौजूद है, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट है, चाहे वो पीटीए की गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, जिसने अपना घर बनाया है बड़ी मेहनत से पैसे जमा करके बनाया होगा, हम तो इस चीज़ को समझते हैं। और ज़रूरी नहीं है वहाँ पे सारे अमीर होंगे, सब गरीब लोग भी होंगे जिन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की होगी। जानी नुकसान कल नहीं हुआ, माली नुकसान हुआ है। अगर खुदा ना खास्ता ये जानी नुकसान होता फिर तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार गवर्नमेंट है, क्योंकि इस वजह से गवर्नमेंट है कि गवर्नमेंट अगर इस चीज़ की इजाज़त देती है कि इतना बड़ा शहर इतना प्राइवेट पे आप इजाज़त दे रहे हो बना रहे हो तो उसको ना सिक्योरिटी भी दे दो। फिर अगर आप नहीं देते हो मलिक रियाज साहब से को भाई कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपने बना लिया तो इसको सिक्योरिटी चाहिए। ये जो दो चार नाम नया सिक्योरिटी है इससे तो काम नहीं चलता है। इसका जिम्मेदार सीन हुकूमत है। आप मना करते हैं कि दुकानें बंद करो, SOP पे लागू करते हो। सेकेंड, वो कल SOP कहाँ थी आपकी? एहतजाज की इजाज़त क्यों दी आपने पहले तो ये बताएं। पुलिस कहाँ थी, रेंजर्स कहाँ थी, आपकी जो जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट है सिक्योरिटी जिस सिक्योरिटी थी वो कहाँ लोग थे? कोई भी नज़र नहीं आया। एंड में जो दो लड़के पकड़े गए उसमें एक डबल केबिन में पुलिस वाले आ गए छे, उन्होंने क्या किया? लोग उन्हें तो पिटना था ना, फिर यही हुआ बस। आपको लगता है सिंध गवर्नमेंट है? सिंध गवर्नमेंट है सर। लगाने वाले आग लगा के चले जाते हैं अपनी, और जिसने आग लगाई है तो इसका जिम्मेदार कौन है? हुकूमत है, हुकूमत, हुकूमत ने बनाया, हुकूमत ही जिम्मेदार है। हुकूमत ने बनाया जी। मलिक रियाज चने बेच रहे थे? मलिक रियाज तो चने ही बेच रहा। उसने तो बेड़ा गर्क कर दिया पूरी आवाम का। उसने बेड़ा गर्क इसलिए किया, उसने सिर्फ अपना फायदा सोचा, अपना कारोबार चलाया और गरीब आवाम को रोड पे लाके खड़ा कर दिया। घरों में तो एक गिलास नहीं तोड़ते लेकिन दूसरे का जाके लाखों का नुकसान करके आ जाते हैं। वहाँ तो धरना वही दे रहे थे ना जिनकी जमीनों का मसला है और प्लॉट नहीं मिले हुए, पैसे नहीं मिले। आलम किसने धरना दिया और किसने फायदा उठाया, क्या किया, इसका तो कुछ भी नहीं कह सकते। जिम्मेदार कौन है इसका आखिर? सर लाजमी बात है, जब उनके हक में कोई फैसला नहीं हो रहा होगा तो कुछ ना कुछ तो अल्टरनेट करेंगे। जो बैरियर टाउन है उन्होंने मुतअद्दिद दफा एक गरीबों की जमीनें छीनी है, और ये कराची की बात नहीं है, ये इस्लामाबाद की भी है और लाहौर की भी है, तो ये सब जगह की नहीं है। और मलिक रियाज और आसिफ अली जरदारी का क्या, यानी पीपल्स पार्टी का क्या गठजोड़ है हर किसी को पता है। एवरीबडी नोज दैट मलिक रियाज इज अ करप्ट पर्सन, एवरीबडी नो, एंड इवन जरदारी ऑल्सो, सही है। तो ये दोनों करप्ट लोग हैं, और जो गरीब लोग हैं उनको उनको ये उनके जो ज़मीन है वो हथियार है। और दूसरा ये मैं कहना चाहूँगा कि और मुझे लगता है कि ये जो आग वाग लगाई है ये जो उनके रहायशी हैं उन्होंने ही लगाई, ये आग वाग जो लगाई है ये इनका आसिफ अली जरदारी और जो दूसरे हैं मलिक रियाज, ये इनकी मिली भगत होगी सिंपैथी लेने के लिए। एग्जैक्टली सिंपैथी लेने के लिए की है। जिम्मेदार आपको लगते हैं कि मलिक रियाज सब खुद है? एग्जैक्टली मलिक रियाज है और हुकूमत है, सबसे पहले हुकूमत है, उन्होंने पुश बनाई की है, उसके सूबाई हुकूमत है, उसके बाद मलिक रियाज। तो ये थी हमारी वीडियो, और आपने तमाम लोगों की जो है वो राय देखी और वो क्या समझते हैं कि मलिक रियाज साहब इसके जिम्मेदार थे या गवर्नमेंट ऑफ सिंध इसकी जिम्मेदार थी।
जो भी है वो आपके सामने है। अगर आप भी कोई राय देना चाहते हैं तो वो हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मैं हूँ राहिल गिल, खुदा हाफिज़।